फ्रेंड्स, अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, चोट के निशान हैं, किसी तरह के काले निशान अगर आपके चेहरे पे हैं और उन्हें आप हटाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज का जो घरेलू नुस्खा है वो आपके बहुत बहुत काम आने वाला है। और वो आपके चेहरे पर से चाहे कितने भी पुराने से पुराने दाग धब्बे हो, काले निशान हो, चोट के निशान हो, झाइयां हो, सभी निशानों को जड़ से खत्म कर देगा, चाहे वो पिंपल्स की वजह से क्यों ना आए हों। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन ऑयली है तो वो भी ठीक हो जाएगी, आपके चेहरे पर तेल आना बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जवान हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस नुस्खे को। इस नुस्खे में सबसे पहले जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों, एक केला हमें लेना है। दोस्तों इस तरीके से केला लेना है, केले का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हमें दोस्तों थोड़े से केले की जरूरत होगी, ज्यादा हमें केला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना सा केला चाहिए। मात्रा का ध्यान रखिएगा, मेरे हाथ के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितना केला जो है इसके अंदर ले रहा हूं। तो इतना सा केला हमें लेना है इसके अंदर दोस्तों, ये देखिए सिर्फ इतना सा केला हमें इसके अंदर जो है इस्तेमाल करना है। अब इसको कैसे आगे यूज करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको इस तरीके से एक फोर्क लेनी है और इसके इस्तेमाल से हम इसको मैश करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों एक पेस्ट जो है हमारा बनाना का बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो सेकंड चीज ऐड करेंगे दोस्तों वो है दोस्तों गुलाब जल यानी कि रोज वाटर। दोस्तों गुलाब जल चेहरे से दाग धब्बे और काले निशान हटाने में बहुत मदद करता है। तो इसके अंदर हम लेंगे एक चम्मच गुलाब जल का। ये देखिए एक चम्मच गुलाब जल हम ले लेंगे इसके अंदर। अब जो थर्ड चीज इस होम रेमेडी में हम ऐड करेंगे दोस्तों वो है दोस्तों मिल्क यानी कि दूध। और दोस्तों दूध स्किन मॉइस्चराइजिंग का काम करता है और चेहरे को ब्राइट बनाने में बहुत मदद करता है। तो इसमें हम लेंगे एक चम्मच दूध। ये देखिए हमने ले लिया है। अब जो लास्ट चीज इस नुस्खे के अंदर हम ऐड करेंगे दोस्तों वो है दोस्तों बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर। और दोस्तों बेसन हर घर में हमेशा अवेलेबल होता है और बेसन जो लोग यूज करते हैं अपने चेहरे पर वो लोग जानते हैं कितना अच्छा होता है। दोस्तों आपके चेहरे की ऑयली स्किन को हटा देगा और जो भी मैल होता है, डेड स्किन होती है, उसको हटा देगा। और दोस्तों साथ ही साथ आपके चेहरे पर जो काले निशान है उन्हें भी ये खत्म करता है। तो इसमें हम लेंगे दोस्तों एक चम्मच बेसन हमने ले लिया है। अब हम इसे मिक्स करके अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा जो नुस्खा है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दोस्तों लगाने से पहले अपने चेहरे को साफ कर लें ताकि आपके चेहरे पर जो पहले से जमा हुआ तेल है और मैल है वो हट जाए। आप नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को धो लें, उसके बाद ही इसे अपने चेहरे पर लगाएं। अब लगाने का तरीका यह है, अपने 2 से 3 उंगलियों में इस तरीके से लेना है और आपको इस तरीके से जो है अपने पूरे चेहरे पर इसका एक लेप लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से लेना है 2 से 3 उंगलियों में और एक लेप जो है लगा लेना है। एक फेस पैक की तरह से पूरे चेहरे पर जो आपको अप्लाई कर लेना है। ये देखिए जैसे कि मैंने कर लिया है। और ऐसा कर लेने के बाद में जब आपके चेहरे पर पूरे तरीके से लग जाए तो 15 मिनट तक इसे अपने चेहरे पर यूं ही लगा रहने दें। और जब 15 मिनट हो जाए उसके बाद अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धोएं। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको गुनगुने पानी से ही अपने चेहरे को धोना है। और दोस्तों इस नुस्खे का इस्तेमाल आपको लगातार 7 दिन अपने चेहरे पर करना है, रोजाना सिर्फ 15 मिनट। और बचे हुए पेस्ट को आप 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अगर ये ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा गुलाब जल इसके अंदर ऐड करके इसकी मात्रा को फिर से आप बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों इसका इस्तेमाल 7 दिन करें, रोजाना 15 मिनट। और ऐसा करने के बाद आप देखेंगे 7 दिन बाद आपके चेहरे पर से जो भी पुराने से पुराने दाग धब्बे, काले निशान, झाइयां हैं वो सब जड़ से खत्म हो जाएंगी और कभी भी वापस लौटकर नहीं आएंगी। और आपका चेहरा पहले से भी ज्यादा जवान, सुंदर और अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको नुस्खा पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।